नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। फाइव थिंग्स टू क्विट राइट नाउ, पांच चीजें जो अभी त्याग करना चाहिए। नंबर वन, ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। नंबर टू, फियरिंग चेंजेस। नंबर थ्री, लिविंग इन द पास्ट। नंबर फोर, पुटिंग योरसेल्फ डाउन। नंबर फाइव, ओवरथिंकिंग। ये जो पांच चीजें हैं, इसको हमें जल्द से जल्द त्याग करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। पहला बात है ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। हर किसी को खुश करने के प्रयास ना करें। अगर आप ये करना चाहोगे तो आपके टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेस उधर ही यूज हो जाएगा, खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। खुद के अपग्रेडेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए कोई टाइम ही बचेगा नहीं। और इस दुनिया में हर किसी को खुश करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दूसरा चीज है फियरिंग चेंज। हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कंफर्ट जोन एक ऐसा चीज है जो हम खुद बनाते हैं और वहीं पे काम करते करते उसी का एक लत यानी एक आदत आ जाता है और हम हैप्पीली उस जोन के अंदर में ही अपने आप को रखने का प्रयास करते हैं। इसके बाहर जाते ही डर लगने लगता है। उस डर से जीत के हमें अपना कंफर्ट जोन को स्ट्रेच करना है, तभी जाके हमारा जो फियर है किसी चेंज को लेके ब्रेक होता रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हर रोज या हर हफ्ते एक ऐसा कुछ काम करना चाहे, छोटे से छोटा एक ऐसा काम जो हमारे फियर को चैलेंज करे। इतना बड़ा नहीं कि 10 मंजिले छत से उछाल मींस कूद जाए या जंप कर दे, वो वाला बात नहीं। छोटे से छोटे, जैसे मान लीजिए कि हमें मींस योगा करने का कोशिश करते लेकिन हो नहीं पाता, तो छोटा सा छोटा चैलेंज करें, 5 डिप्स लगाए, पुशअप लगाए या 10 मिनट रनिंग करें और समथिंग लाइक दैट। जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें डर लगता है, उसको चैलेंज करना चाहिए। तीसरा वाला चीज क्या है, लिविंग इन द पास्ट। हमें ना पास्ट में जाना है ना फ्यूचर में, हमें प्रेजेंट में ही जीना है। यही प्रेजेंट स्पेंड होने के बाद पास्ट बन जाता है और फ्यूचर कुछ समय के बाद पास्ट प्रेजेंट हो जाता है, फिर पास्ट में बदल जाता है। इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट्स को अच्छा करना ही हमारा प्रयास होना चाहिए। हैप्पी और फुलफिलिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमारा प्रेजेंट हैप्पी हो जाएगा तो हमारा पास्ट भी अच्छा हो जाएगा। ऑल्सो टाइम इज लिमिटेड, वही 24 घंटा एक दिन का। अगर हम इस 24 घंटे के एक दिन का जो पल है उसमें से ज्यादातर समय पास्ट के बारे में सोचने में बिता देते हैं तो प्रेजेंट के बारे में सोचने का, प्रेजेंट में कुछ काम करने का हमारे पास वक्त ही नहीं बचेगा। इसीलिए पास्ट में रहना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में रहिए। चौथा वाला है पुटिंग योरसेल्फ डाउन। कभी भी खुद के आत्मसम्मान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कहते हैं कि जिस टेबल पे सेल्फ रेस्पेक्ट सर्व नहीं किया जाता है उस टेबल को छोड़ देना चाहिए। सामने वाले को अगर एक बार मौका मिल जाए आपके सेल्फ रेस्पेक्ट से खेलने का, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को नीचा दिखाने का, तो वो सामने वाला हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करके आपका सेल्फ रेस्पेक्ट को नीचा दिखाने का कोशिश करेगा। अरे तू तो ये है, तू तो वो है, तू तो निकम्मा है, ऑल दिस थिंग्स। फिफ्थ थिंग, ओवरथिंकिंग। अभी ओवरथिंकिंग क्या है, मैं अपने मन के बारे में नकारात्मक विचार आते हैं जो आपके दिमाग में अतीत के भावनात्मक आघात को दोहराते हैं और आप खुद को निराशावादी महसूस करते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं मगर
कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से ढेरों शिकायतें होती है, इसीलिए ओवर थिंकिंग ना करें। कुछ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ अच्छा थिंकिंग के बारे में भी समय बिताएं। जो काम करने से आपको फील गुड फैक्टर होता है वो काम के ऊपर ध्यान दीजिए। तो अभी के लिए छोटी सी बात इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।